बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। भाई आपको एक मैं न्यूज़ बता देता हूँ, मैं जो कि अभी कुछ भाई एक दोस्त पाकिस्तान से है, उसने भी मुझे बताया और उसके अलावा खुद से कुछ दोस्तों ने भी ये बात मुझे बताई और मैं खुद से भी ये बात अपने भाई माइंड में सोच रखा था। बहरहाल आप इसके मतलब क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी राय भी। आपको पता है सऊदी अरब की ना तो अभी तक फ्लैट्स ओपन हुई हैं, ना इकामे बढ़े हैं, ना छुट्टी बढ़ी है, वाई वाला सिस्टम भी बंद हो चुका है। अच्छा, वाई वाले सिस्टम के मतलब मैं आपको क्लियर करता चलूँ, भाई दुबई नहीं, किसी भी कंट्री से आप सऊदी अरब में इंटर नहीं हो सकते हैं। अभी आप अभी यानी कि सोच रहे हो कि जो भाई वहाँ पर अभी 14 दिन पूरे कर चुके हैं वो आ रहे हैं, वो कैसे? जो पाकिस्तानी भाई अभी मुझे आया है यहाँ रात को आया, वो बोल रहा था बहरीन से उसने फ्लाइट चेंज करनी थी अपनी, तो वो बोल रहा था बहरीन एयरपोर्ट के मैं वाहद बंदा था जी जो छुट्टी वाला था, बाकी तमाम जितने भी पाकिस्तानी थे 20 25 30 तो वो तमाम बहरीन में 14 दिन का स्टे कर चुके थे, उसके बाद सऊदी अरबिया इंटर हो रखे थे। ठीक है जी, तो अगर वाई वाली क्लियर मैं बात ये करना चाहता था आपका, जाहिर सी बात है 30 नवंबर तक आपका इकामा छुट्टी बढ़े हुए हैं, तो भाई अगर 14 दिन आप वहाँ पर गुजारेंगे तो 30 नवंबर तो गुजर जाएगी, आप फिर सऊदी अरब में इंटर नहीं हो सकेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुबई उड़न वगैरह या कोई भी और कंट्री है जिसकी फ्लैट्स ओपन है उसकी फ्लैट बंद है, फ्लैट ओपन है लेकिन होगा क्या, आपके पास वैलिड वीजा नहीं बचेगा सऊदी अरब का, आप इसलिए इंटर नहीं हो सकेंगे। ये वाई वाली बात मैंने बोला आपके साथ क्लियर कर दूं। बहुत से भाई अभी मुझे कमेंट कर रहे हैं और विजिट वीजा वाले भाई अभी भी आ सकते हैं क्योंकि आपका वीजा तो भाई लगा हुआ है, आपको पता है आपका वीजा तो अभी 2-3 माह मजीद बाकी पड़ा होगा। ठीक है जी, आप जब चाहे आए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकामा वालों के मतलब मैं बता रहा था, अभी बात कर लेते हैं जी ये जो फ्लैट्स के मतलब और इकामा छुट्टी के मतलब है। मेरा खुद से मानना यह है जी आपके अभी तक इकामे और छुट्टी नहीं बढ़ाए गए हैं, उसकी रीजन यही मुझे समझ आ रही है कि भाई जो आपने आपको पता है जी बहुत से बंदे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि वो एक बंदा था पाकिस्तानी जो वाई के थ्रू सऊदी अरबी में आया है, बाकी तमाम बंदे जितने भी थे वो तमाम तर भाई छुट्टी वाले थे, यानी कि जो दुबई में 14 दिन का स्टे कर चुके थे वो वहाँ से आ रखे थे। तो भाई सऊदी अरबिया ने अभी आपके इकामे छुट्टी अभी तक नहीं बढ़ाए हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर आप अभी बढ़ा दिए जाते दिसंबर तक मजीद, तो जैसे अवाम भाई दूसरी कंट्रीज से सऊदी अरब में धड़ाधड़ अभी आना शुरू हो चुकी है, पहले भी आ रही थी, अभी तादाद बढ़ चुकी है, तो फिर सऊदी अरबिया ने इसलिए मेरे हिसाब से आपके इकामे और आपकी छुट्टी मजीद रोक लिए हैं ताकि अवाम को मजीद थोड़ा रोका जाए। जैसे हम फ्लैट्स ओपन करेंगे अपनी इंटरनेशनल डायरेक्ट, तो फिर डायरेक्ट ये सऊदी अरब सफ़र कर सके। हाँ, इसके मतलब आप भाई अपने जहन में जो कुछ भी सवालात रखते हैं या आपको किसी और चीज़ के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, उसके मतलब भी बात कर लेंगे।